गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग सो दिस इज अबाउट मी आई एम सोनप्रिया स्टूडेंट्स जो लोग नए हैं मैं आपके हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस लेती हूँ टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए आप मेरे साथ में रोज जड़ सकते हैं अभी के लिए फिलहाल के लिए टाइम ये है मोस्टली फर्स्ट फरवरी से आपका टाइम चेंज होगा जो लाइव क्लासेज है YouTube का आई विल अकॉर्डिंगली इंफॉर्म यू ठीक है सो अभी के लिए टाइम क्या है आपका 11:45 मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पे. एंड आपका 1:30 pm यानी दोपहर में डेढ़ बजे टेस्ट बुक की ऐप आप पे आपकी मास्टर क्लास होती है आधे घंटे की यू कैन जॉइन मी फॉर दैट क्लास आल्सो और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ठीक है दोनों क्लासेस से इसके अलावा बच्चों आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जो भी क्लासेस है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ में एग्जाम रिलेटेड कोई भी है या अपनी लाइव क्लासेस का लिंक है रिकॉर्डेड सेशन का लिंक है एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड ओवर हियर तो आप स्कैन करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर लीजिएगा हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक ठीक है ज्यादा दिक्कत होती है तो सर्च करो हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक वैसे होना नहीं चाहिए है ना क्यू कोड है सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक तो यू कैन दिस टेलीग्राम चैनल सो पिछले सैटरडे को हमारा जो स्पेशल सेशन है उसके अंदर हम सिक्स जो है उसको पढ़ रहे थे एंड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को देखा था हम यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से गुरु नानक जी जो हैं उन्होंने हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने के लिए एंड जो इंडियन सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस में चेंज हो रहा था इस्लाम के एस्टेब्लिशमेंट के बाद में हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में हार्मनी सौहार्द की भावना डेवलप करने के लिए और हिंदू समाज को और इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए सिखिज्म जो है उसको एक सेक्ट या पंथ के रूप में शुरू किया किस तरीके से जो डिफरेंट सिख गुरुज हैं उन्होंने गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स को आगे लेके गए और साथ ही साथ में आप देखते हैं गुरु अर्जुन देव के टाइम से जिन्होंने आपका आदि ग्रंथ भी लिखा उनके टाइम से से किस तरीके से मुगल्स के बीच में और सिख गुरु के बीच में और सिख कम्युनिटी के बीच में एक डाइवर्जन क्रिएट होता है, है ना एक एनिमिटी एनिमोसिटी दुश्मनी जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगती है जहांगीर के पीरियड से और हम यहाँ पे देखते हैं कि गुरु हरगोविंद जी जो हैं वो किस तरीके से सिख कम्युनिटी का मिलिटराइजेशन करते हैं उनको एक वॉरियर क्लास में डेवलप करने की कोशिश करते हैं ये काम आगे चल कर के गुरु गोविंद जी के द्वारा पूरा किया जाता है जो सिख कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल एंड एक मिलिट्री कम्युनिटी जो है एक वॉरियर कम्युनिटी जो है उसके रूप में फुल्ली डेवलप करते हैं और अमृतसर को अपना जहां पे आपका हर मंदिर साहेब जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं है ना अमृतसर के अंदर अपनी कैपिटल को भी एस्टेब्लिश करते हैं और ये क्यों किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर जो है औरंगजेब ने उनका एग्जीक्यूशन करवा दिया था गुरु तेग बहादुर वॉज किल्ड सो so, ये जो पूरा आपने देखा तो आप देख रहे हैं कि मुगल्स के साथ में जो सिख गुरुज का रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अर्जुन देव जी के टाइम से ख़राब होना शुरू होता है ऑलमोस्ट कंटिन्यू ही रहता है गुरु तेग बहादुर के डेथ के बाद में ये और ज़्यादा सीवियर हो जाता है एंड गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उनके टाइम तक आते आते सिख कम्युनिटी और मुगल्स के बीच में डाइवर्जेंस बहुत क्लियर हो जाते हैं इसके बाद में हमने क्या देखा था यहाँ देखते जाइएगा सो so, मैंने आपके साथ में ये सब कवर किया है कि इम्पॉर्टेंट जो गुरुद्वाराज बने हुए हैं वो कहाँ बने हुए हैं उनका क्या रेलिवेंस है आपके आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव से वो इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए अदरवाइज सिख हिस्ट्री वैसे भी आपके लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी हिस्सा है और आपकी मिडीवियल पीरियड की हिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है हमने यहाँ पे बात की कि कैसे माधव दास वैरागी जो हैं जो गुरु गोबिंद सिंह के एक बहुत अच्छे डिसाइपल थे उनके टाइम पे किस तरीके से एक बार इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टेट डेवलप करने की पूरी कोशिश की जाती है गुरु गोविंद सिंह के बाद में लेकिन माधव दास वैरागी या बंदा बहादुर जिसको गुरु गोविंद जी कहते थे वो एक आउटसाइडर था पंजाबी कम्युनिटी के अंदर भी जो अपर क्लास है और जो अपर कास्ट है वो बंदा बहादुर को अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी स्पेशली इसलिए क्योंकि बंदा बहादुर सिख के के अंदर भी जो जो लोअर लोअर क्लास कम्युनिटी है है कास्ट उसके वेलफेयर लिए ज्यादा काम कर रहे थे फारुख सियार के टाइम पे बंदा सिंह बहादुर को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है सो so ये कुछ रिलेशनशिप है मुगल्स के बीच में और आपके सिख कम्युनिटी के बीच में आज हम कहानी को यहां से शुरू करेंगे आशा करती हूँ आपको कहानी याद होगी राइट आ गए सब लोग वेरी गुड इवनिंग एवरी वन यस ठीक है सो so, बच्चों हमने बंदा सिंह बहादुर जी जो है इनके बारे में देखा किस तरीके से इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इनको फांसी की सजा दी दे, दे, दी जाती है सिखिज्म जो है अब तक एक फुल फ्लैजेड रिलीजन के रूप में डेवलप हो चुका था मैंने आपको बताया था एक रिलीजन के लिए कुछ बेसिक्स होते हैं राइट सो so, सिख कम्युनिटी जो है उसको सबसे पहले हरमंदिर साहेब जो है है ना गुरु रामदास के टाइम पे जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो ऑलरेडी इनको आपका एक होली प्लेस जो है वो मिल चुका था आपका हरमंदिर साहेब या गोल्डन टेम्पल के रूप में आदि ग्रंथ जिसको आप आगे चल के गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं है ना गुरु गोविंद सिंह की राइटिंग्स के बाद में वो इनकी होली बुक बन चुकी थी इनके पास में स्क्रिप्ट या फिर गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो हम बोलते हैं वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट थी धीरे धीरे करके सिखिज्म के कुछ जो टीचिंग्स हैं या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे सामने आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे आप यहाँ पे देखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो फाइव केस की बात करते हैं मैंने आपको बताना चाह रही हूँ सिख, सिख है? है जब डिबेट शुरू हुआ क्योंकि राइट टू रिलीजन वाला जो पोर्शन है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर तो सिख कम्युनिटी जो है उसको कहा गया कि जो गुरु गोविंद सिंह के इन फाइव केस को फॉलो करता है वो ट्रू सेंस में सिख है आपका यानी केश कंघा कड़ा आपका जो कच्छा है एंड कृपाण स्पेशली केश वाला जो पोर्शन है है ना सो so इसको लेकर के कहा गया कि जो लोग ये पूरा फॉलो करते हैं फाइव केस को वो सिख कम्युनिटी के अंदर आएंगे और वो ट्रू सिख कहलाएंगे यानी कि जो आपके मुंडा सिख बोलते हैं हम लोग है ना जो लोग आपके दाढ़ी नहीं रखते हैं बड़े बाल नहीं रखते हैं उनको सिख कम्युनिटी के अंदर नहीं इंक्लूड किया गया ये बेसिकली अंग्रेजों की देन है है ना दे डिवाइडेड द सिख कम्युनिटी बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोविंद सिंह जी जबकि गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी की टीचिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं है मैंने आपको कहा था गुरु नानक देव जी तो एक सेपरेट रिलीजन बनाना ही नहीं चाहते थे शायद है ना वो केवल एक सेपरेट पंथ या हिंदू धर्म को रिफॉर्म या इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे जैसे कि बाकी आपके भक्ति संत करना चाहते थे एनी वेज सिखिज्म जो है है ना इंडिया के अंदर मेजर रिलीजन में से एक है So, हम लोग जो हैं, वो मेजर मेजर सारी चीजें देख चुके हैं फिर हम अपनी पूरी कहानी पढ़ेंगे और जो आज की कहानी हम पढ़ेंगे इसमें हम आपको बताएंगे कि अफगान्स के साथ उनका कैसे स्ट्रगल चलता है आगे चल के उनका स्ट्रगल कैसे अफगान्स के साथ से डाइवर्ट होकर अंग्रेजों की तरफ चले जाता है और सिखिज्म या जो सिख कम्युनिटी है वो अपना जो इंडिपेंडेंट एक किंगडम था एक एम्पायर था उसको खो देती है और ब्रिटिश टेरिटरीज का हिस्सा बन जाती है तो बच्चों सुपर कोचिंग का जो कोर्स है अगर आप इसके लिए एनरोल करते हो तो आपको जनरल स्टडीज का पूरा कोर्स मिलेगा प्रिलिम्स मेन्स लेवल का सीसेट है यहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल है एस एथिक्स जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है इंक्लूडिंग सेक्शनल टेस्ट है है ना चैप्टर वाइज है सेक्शनल टेस्ट है फुल लेंथ टेस्ट है आपकी लाइव क्लासेस होती है जहां पे आपको कंटेंट पढ़ाया जाता है आपको मेन्स आंसर राइटिंग की लाइव क्लासेस में प्रैक्टिस करवा के फीडबैक दिया जाता है और आपके करंट अफेयर्स की भी हिंदी और इंग्लिश की सेपरेट लाइव क्लासेस होती हैं आपको हर क्लास uh, के बाद में नोट्स मिलते हैं इंग्लिश और हिंदी के अलग अलग पी एंड येस आपको पूरे मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन्स भी मिलती हैं यहाँ पे आपको स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैंने आपको बताया लाइव क्लासेस के अलावा भी ठीक है एंड आई ऑल्सो टेक योर क्लासेस देयर बच्चे इसके अलावा आपके पास में यहाँ पे श्रीराम राम आई एस है लुकमेन आई एस है, है ना दीक्षांत आई एस इन लोगों के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप परचेस करेंगे तो यू कैन यूज द कूपन कोड सोन प्रिया करना क्या है जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में एक मिनट जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है ज्वाइन सुपर कोचिंग उस पर क्लिक करके ज्वाइन करना है और कूपन कोड यूज करना है सोनप्रिया तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा ट्वेंटी पूरे साल की फीस है ई एमआइस अवेलेबल है ई एम आईजेबल है चलिए एंड यस जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको पसंद आते हैं लेक्चर्स तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो आगे बढ़ते हैं बच्चों देखो बन्ना सिंह बहादुर के बाद से मैं स्टोरी को कंटिन्यू रखती हूँ आपको स्टोरी फॉर्मेट में समझना है स्टडी नोट्स कैसे डाउनलोड करें काजल देखो ये जो क्लासेस हैं इनके जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ वो तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसके अलावा अगर आप पेड बैच में हैं तो पेड बैच में हर क्लास के बाद में जो क्लास आपकी होती है उस क्लास के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ होता है पीडीएफ आप उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो तो क्लास की पीडीएफ डी यहाँ पे आ जाएगी और जो क्लास के नोट्स मिलते हैं वो साइड में अलग से सेपरेटली दिए हुए होते हैं ठीक है यहाँ पे ऐसे सेपरेटली दिए हुए होते हैं आप यहाँ पे करके डाउनलोड कर सकते हो ऐसे ही आपकी जो फ्री क्लास होती है ना मास्टर क्लास उसके नोट्स भी आप ये जो क्लास खत्म हुई है उसके बाद में यहाँ पे जब क्लास पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी ठीक है चलो बिल्कुल बेबी अगर आप इलेवन ट्वेल्थ की एनसीईआरटी नहीं मिल रही है आपको वैसे तो एनसीईआरटी ऑनलाइन आ जाती है फ्लिपकार्ट वगैरह पे अगर आपको नहीं मिल रही है तो सॉफ्ट कॉपी का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी आप पढ़ना चाहो तो ठीक है सॉफ्ट कॉपी का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी बाकी नितिन सिंघानिया से हो जाएगा क्लास के नोट से कवर कर लेना ठीक है चलो यहाँ पे देखिए बच्चों होता क्या है कि बंदा सिंह बहादुर जी की तो डेथ हो जाती है सेवनटीन सिक्सटीन के अंदर इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में आप देखोगे कि जो सिख कम्युनिटी है उसके अंदर कोई लीडरशिप सामने नहीं है एक लीडरशिप का वैक्यूम खालीपन है बट फिर भी सिख कम्युनिटी की जो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई थी है ना जो राजनीतिक जागरूकता उनके अंदर आई थी, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखी जाती है दो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए और ये ट्रेडिशंस क्या थे ये ट्रेडिशंस एक था आपका मिनट दल खालसा दल खालसा की भी मैं बात करूंगी लेकिन इससे पहले शरबत खालसा की बात करते हैं एंड दूसरा गुरुमत ट्रेडिशन गुरुमत ट्रेडिशन आपको कुछ ज्यादा जोर नहीं देना है दिमाग पे ठीक है जो मैं बताती हूँ उसको बस कहानी की तरह सुनते जाइएगा दिस क्लास इज जस्ट लाइक कि आपको थोड़ी नॉलेज भी मिल जाए जो आपके काम आए एग्जाम में और साथ ही साथ में आपको थोड़ा सा कहानी फॉर्मेट में कहानी भी सुन लें आप थोड़े फ्रेश हो जाए राइट सो बंदा बहादुर की डेथ के बाद में जो पॉलिटिकल वैक्यूम हमको देखने को मिल रहा है कोई मेन लीडरशिप हमारे सामने नहीं आ रही है पर लेकिन फिर भी जो आपके सिख कम्युनिटी है उसके अंदर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस जो है राजनीतिक जागरूकता जो है वो हमको देखने को मिलती है और इसको दो ट्रेडिशन के थ्रू कंटिन्यू किया जाता है एक शरबत खालसा होता क्या था कि जो सिख कम्युनिटी के मेंबर्स हैं वो मिलते थे शरबत के के लिए और यहां पे गुरु मत, गुरु मत नाम पे कुछ इंपॉर्टेंट सिख कम्युनिटी के रिगार्डिंग डिसीजंस लिए जाते थे सिख कम्युनिटी के रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस जो है उनको लिया जाता था धीरे धीरे क्या हो गया मैं आपको दल खालसा के बारे में बता रही थी यहां देखिएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो नवाब कपूर साहब हैं उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि हमें दल खालसा बनाने चाहिए यानी खालसा के डिफरेंट ग्रुप्स बनाने चाहिए जो सिख कम्युनिटी है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है कि 1739 में हम क्या देखते हैं 1739 में किसका अटैक हुआ था इंडिया के ऊपर बिल्कुल खालसा दल नवाब कपूर सिंह जी जो हैं बैटल ऑफ करनाल है नादिर शाह का अटैक मेरी बात को ध्यान से सुनिए मैप में आप देखिएगा ठीक है आपका नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा है पंजाब की आपकी सिख कम्युनिटी उस एरिया के अंदर है जो आपका पांच नदियों का एरिया है, है ना द रीजन कवर्ड बाई दाइव मेजर रिवर्स इस एरिया के अंदर आप देखो कि जो कम्युनिटी है बेसिकली एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है लेकिन नॉर्थ वेस्ट से जो अटैक आते हैं हमेशा से ये सिख कम्युनिटी जो है हमारे वॉल के रूप में नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले इन इन्वेडर्स को और अटैकर्स को फेस करती आई है कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी मुगल एम्पायर बहुत तेजी से उसका डिक्लाइन हो रहा था आप देखिए फारुख सियार उसके बाद में मोहम्मद शाह रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला वो रूलर जिसको रंगीला शायद उसके नाम के पीछे लगा दिया गया है और रीजन ये रहा कि ही वॉज सो मच एब्जॉर्ब इन टू वुमेन वेल्थ एंड वाइन है ना शराब पीना ऐशो आराम के अंदर पूरा डूबा रहना सो so, एक तरफ आपका मुगल एम्पायर जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है मुगल एम्पर और जो मुगल नोबल्स हैं वो बिल्कुल ही इनकॉम्पिटेंट हैं केयरलेस हैं दे आर सेल्फिश एंड दे आर मोर लग्जरियस लाइफ ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में उधर से नॉर्थ वेस्ट से बहुत सारे अटैक हो रहे हैं पर्शिया से और अफगान से जिसमें से आपका 1739 का अटैक जो है वो बहुत फेमस है बैटल ऑफ करनाल नादिर शाह का अटैक इसके बाद में आप जानते हैं 1740s से अहमद शाह अब्दाली जिसको अहमद शाह दुरानी के नाम से जाना जाता है जिसने मॉडर्न अफगानिस्तान में दुरानी एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी उसके अटैक्स भी शुरू हो जाते हैं तो आप देखिए ये 1720 1730 1740 1750s वाला जो टाइम है ये वो टाइम है जब नॉर्थ वेस्ट से बहुत अटैक हो रहा है मुगल एंपायर डिक्लाइन कर रहे हैं कोई भी नहीं है सिख कम्युनिटी को बचाने के लिए इसीलिए नवाब कपूर सिंह जी जो हैं वो 1750 के अंदर एक आइडिया देते हैं कि हमें दल खालसा बनाने चाहिए ये सिख कम्युनिटी दल खालसा कम्युनिटी के डिफरेंट दल या ग्रुप्स ये क्या करेंगे डिफरेंट एरियाज के अंदर सिख कम्युनिटी को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इसके बदले में सिख कम्युनिटी को दल खालसा के जो लोग हैं उनके मेंटेनेंस के लिए एक ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा जिसको राखी ट्रेडिशन कहते हैं राखी ट्रेडिशन और ये राखी ट्रेडिशन क्या था इस राखी ट्रेडिशन के अंदर जो सिख कम्युनिटी है वो अपनी सिक्योरिटी के बदले में दल खालसा को अपनी जो इनकम है उसका वन फिफ्थ एज अ टैक्स पे करेगी यानी ट्वेंटी परसेंट ऑफ अपनी इनकम जो है वो एज अ ट्रिब्यूट या एज अ टैक्स पे करेगी दल खालसा को तो ये कुछ चल रहा है अब क्या होता है आप जानते हैं 1761 के अंदर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है और ये जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हो रहा है आपके मराठास जो हैं वो मुगल्स के फ्रंट के रूप में काम कर रहे हैं उधर अहमद शाह अब्दाली हैं और ये जो अफगान हैं मैं आपको बता दूं, इन्होंने लाहौर मुल्तान वाला जो एरिया है इसको अपने कब्जे में कर रखा था तो एक तरफ अफगानिस्ट जो है उनका लाहौर मुल्तान वाले एरिया पे कब्जा होने रहा है दूसरी तरफ आपके मराठास जो है उनको लाहौर से भगाने के लिए अफगान को वापस से लाहौर को कैप्चर करके मराठा टेरिटरी में मिलाने और मराठास को एक इंपीरियल पावर सेंट्रल पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन मराठास की जो एम्बिशन है उसको एक बहुत बड़ा धक्का रखता है बालाजी बाजीराव जो है वो मराठा पेशवा थे इस टाइम पे मराठास थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हार जाते हैं बालाजी बाजीराव की जो है अचानक से डेथ हो जाती है मराठास के अंदर नेक्स्ट पेशवा कौन होगा इसको लेकर के लड़ाई शुरू हो जाती है दिल्ली में एकदम कमजोर रूलर बैठे हैं है ना दिल्ली में एकदम कमजोर रूलर है आपका शाह आलम 2 देखिए कंडीशन को एकदम कमजोर रूलर है दिल्ली में मुगल रूलर इधर मराठास जो हैं वो आपस में आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं उधर आप देखोगे कि नॉर्थ वेस्ट में अफगान्स का जो डर है वो अभी भी सिख कम्युनिटी पे मंडरा रहा है लेकिन क्या होता है 1773 के आते आते इनके लिए एक गुड न्यूज आती है 1773 में अहमद शाह अब्दाली जो सिख कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन गया था फियर बन गया था बार बार अटैक करता था इसकी डेथ हो जाती है और दुरानी एम्पायर के जो आ, आ, क्या बोलते हैं हियर्स हैं है ना जो दुरानी एम्पायर के अहमद शाह अब्दाली के जो बेटे हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं नेक्स्ट सक्सेसर कौन बनेगा क्योंकि अफगान ट्राइब है और ट्राइबल्स में कोई भी डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन नहीं होता कोई डेफिनेट प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिट्री नहीं होता कि नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा इसको लेकर के कोई क्लियर सक्सेशन पॉलिसी नहीं होती है हेरिडिटरी रूल नहीं होता था तो आपस में सिविल वॉर जो बोलते हैं हम वो होना शुरू हो जाता है तो देखिए सिख कम्युनिटी यहां देखिएगा मैप में एक बार यहां पे आपका पंजाब वाला एरिया है यहां पे अफगान्स का काबुल से डर था जो अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर चल रहा है उसके वजह से कमजोर हो गया है इधर दिल्ली में जो मुगल रूलर है वो बिल्कुल कमजोर पड़ चुका है वीक है मराठास अपनी लड़ाई में उलझे हुए हैं सो सिख कम्युनिटी को ये टाइम एकदम अप्रोप्रिएट लगता है और यहां पे सिख कम्युनिटी के अंदर आप देखोगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी शुरुआत होती है जिसको हम कॉन्फेडरेसी सिस्टम या फिर मिसल सिस्टम कहते हैं मिसल सिस्टम कहते हैं ध्यान से सुनिएगा मिसल सिस्टम कहते हैं ये मिसल क्या थी बच्चों मिसल बेसिकली पंजाब एरिया के अंदर गवर्निंग बॉडीज थी जो कुल मिला के बारह थी नंबर के अंदर तो मिसल क्या है मिसल बेसिकली इस पंजाब वाले एरिया के अंदर सिख कम्युनिटी की गवर्निंग बॉडीज हैं और ये जो मिसल्स हैं ये अपने अपने एरिया में ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंटली एक्ट करती थी हर मिसल जो है उसका एक मिसलदार होता था और ये जो पूरी बारह मिसल हैं है ना पूरी जो बारह मिसल है ये मिल करके एक अपना जट्ठेदार जो है उसको चुनती थी सिख कम्युनिटी के हेड को चुनती थी जट्ठेदार बोलते थे इसको हर जो मिसल है हर मिसल के अंदर एक मिसलदार है एक उसकी काउंसिल है एडवाइजरी काउंसिल है हर मिसल में एक दल खालसा हुआ करता था दल खालसा क्या है दल खालसा बेसिकली एक मिलिट्री ग्रुप है एक मिलिट्री ग्रुप है जो इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को न केवल एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देना बल्कि उनकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखता है और बदले में उनसे रेवेन्यू या राजस्व जो है उसको कलेक्ट करता है टैक्स को कलेक्ट करता है दल खालसा में भी दो टाइप के दल हुआ करते थे एक आपका बुद्ध दल जिसके अंदर एल्डर्स होते थे जो एक्सपीरियंस थे और दूसरे आपके तरुण दल यानी यंगस्टर्स का एक ग्रुप होता था यूथ जो है उनका एक ग्रुप होता था और ये लोग दो साल में एक बार सरबत खालसा जो है जहां पे गुरु के नाम पे सरबत पी जाती है है ना सिख कम्युनिटी जो है वो अपने ब्रदरहुड को हारमोनी को इन सब को एक तरीके से ज्यादा एम्फेसाइज करती है तो आप ये सिचुएशन देख रहे हैं जी बिल्कुल काजल 1773 थ्री में अहमद शाह अब्दाली की डेथ हुई थी बिल्कुल करण आप नोट कर सकते हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप किसी चीज को नोट करते हुए लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से कहानी जो है वो समझ में आती है राइट सो so, मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे सो so, हुआ क्या है फर्स्ट आपके बंदा बहादुर जी की डेथ हो चुकी है सिख कम्युनिटी का कोई भी लीडर नहीं है लीडरशिप वैक्यूम है दूसरी तरफ से क्या हो रहा है नॉर्थ वेस्ट से अटैक्स बढ़ गए हैं नॉर्थ वेस्ट से अटैक्स बढ़ रहे हैं लेकिन मुगल्स के जो गवर्नर हैं या जो मुगल्स हैं वो इन अटैक्स को रोकने में सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि मुगल एम्पायर मुगल नोबल्स जो हैं, दे ऐसे में आपके नवाब कपूर सिंह जी जैसे जो लोग हैं उन्होंने दल खालसा राखी ट्रेडिशन इनको सामने रखा ताकि जो सिख कम्युनिटी है वो खुद का प्रोटेक्शन खुद कर पाए धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं धीरे धीरे हम देख रहे हैं सिक्स जो हैं उनके अंदर एक मिसल या कॉन्फेडरेसी सिस्टम आया है और कैसे एक मिसलदार हैं दल खालसा हैं है ना और बाद में सरबत ए खालसा है गुरु मत है ये सारे ट्रेडिशंस चलाए जा रहे हैं और क्या होता है और आपको देखने को मिल रहा है कि 1773 के बाद में जो अफगान है उनका जो रूलर है अहमद शाह अब्दाली इसकी डेथ हो गई है इधर मुगल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अपनी खराब हालत के अंदर हैं की बात चल रही है जब दिल्ली का और काबुल का डर खत्म हो गया है तो ये मिसल्स जो हैं ये कहीं ना कहीं आपस में भी लड़ना शुरू कर देती हैं क्योंकि हर मिसल का लीडर चाहता है कि उसके मिसल के अंडर में जो एरिया है वो बढ़ता रहे धीरे so, धीरे क्या होने लगता है यहाँ पे भी आपको वही फ्यूडल सिस्टम वही जमींदारी सिस्टम जो है उसके रेमिनेंट्स उसकी जो लेगेसी है वो सिख कम्युनिटी में नजर आने लगेगी कुछ इसी समय की बात है जब 1780 के अंदर आपके शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह का जन्म होता है महाराजा रंजीत सिंह जो है उनका जन्म होता है मैंने आपको बता है, ये बता दिया ठीक है एंड द प्लेस इज गुजरान वाला आपके पाकिस्तान ई पंजाब और इंडियन पंजाब के बॉर्डर पे पड़ता है आप यहां देख सकते हैं दिस इज प्लेस यहां पे इनका बर्थ होता है शुकर चाकिया मिसल के अंदर शुकर चाकिया मिसल के जो हेड हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह के फादर हैं महान सिंह So uh, कह सकते हो फ्यूडल लॉर्ड फैमिली जो कि शुकर चाकिया मिसल जो है उसके हेड हैं महान सिंह और मदर का नाम था राजकोर ठीक so है और कहा जाता है कि he lost his one eye. पढ़े लिखे तो नहीं थे इनको बहुत ज्यादा पढ़ाया लिखाया तो नहीं गया था फॉर्मल सेंस में कोई एजुकेशन देना लेकिन हाँ गुरुमुखी स्क्रिप्ट की नॉलेज थी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते थे साथ ही साथ में इनके पिता ने इनकी बहुत अच्छी मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई थी सो ही वाज अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक स्किल्स से फादर के साथ रह के सब सीखा था सो अ गुड मिलिट्री कमांडर हैविंग गुड डिप्लोमेटिक स्किल्स एंड फादर के साथ-साथ रह कर के एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की भी काफी अच्छी नॉलेज थी 1792 में इनके फादर की डेथ हो जाती है और ये शुकर चाकिया मिसल जो है उसके कमान को संभालते हैं धीरे धीरे ये कंडीशंस को समझने लगते हैं इस टाइम पे क्या हो रहा था नॉर्थ वेस्ट से अफगानी जो है उनका अटैक होता रहता था ठीक है मीन अफगानी जो है उनका दुरानी एंपायर का अटैक होता रहता था ऐसा ही 1799 के अंदर भी अफगानी जो है उनका एक अटैक हुआ और जो रूलर था वो था जमन शाह दुरानी जमन शाह दुरानी जमन शाह दुरानी जो है ये मुल्तान के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है लाहौर के ऊपर अपना वापस से जो कब्जा है उसको एस्टेब्लिश कर लेता है लेकिन क्या होता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो कंडीशन है काबुल के अंदर वो भी काफी अनस्टेबल होती है और यहाँ पे जमन शाह दुरानी को एक खतरा खाया जा रहा था कि उसका भाई जो है वो काबुल की गद्दी को हथियाने के लिए वहां बैठा हुआ था ही वॉज अबाउट टू सीज द थ्रोन ऑफ काबुल आउट ऑफ देंड्स ऑफ जमन शाह दुरानी इस सिचुएशन में जमन शाह दुरानी जो है उसको भाग करके वापस जाना पड़ा यहाँ पे बहुत थी श्रूड स्किल्स जो हैं वो रंजीत सिंह दिखाते हैं और वो जमन शाह के जो आर्टिलरी नदी में गिर गई थी उसको वापस से उसको लौटा देते हैं जमन शाह दुरानी जो हैं वो रंजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं सो जस्ट अंडरस्टैंड द कंडीशन है ना सो so हम क्या देख रहे हैं सेवनटीन के अंदर ही एक बार फिर से नॉर्थ वेस्ट से अफगानी अफगान जो है उनका अटैक जो है वो रेगुलर हो गया है इसीलिए आपके दल खालसा का कॉन्सेप्ट राखी ट्रेडिशन का मिसल्स का कॉन्सेप्ट सामने आता है बट अब हर मिसल जो है जब दिल्ली का खतरा खत्म हो गया उनके सर से और आपके नॉर्थ वेस्ट से दुरानी का एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो खतरा खत्म हुआ उसके बीच में उनके बीच में भी एक सिविल वॉर शुरू हो जाता है डोमिनेंस के लिए कंडीशन के अंदर एक बार फिर से हम क्या देख रहे हैं जब रंजीत सिंह आपके शुक्र चाकिया मिसल की कमान संभाल रहे हैं तभी अफगानिस्तान के अंदर 1793 में जमन शाह रूलर के रूप में सामने आता है एंड ये लाहौर और मुल्तान के ऊपर अपनी पोजीशन को स्ट्रेंदन करके आगे बढ़ना चाहता है लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल कंडीशंस हैं वो इसके सारे प्लान्स को फेल कर देती है और यहाँ पे रंजीत सिंह जो है इसकी जो आर्टिलरी नदी में गिर गई थी उसको इसको वापस से सप्लाई कर देते हैं और जमन शाह खुश होकर इनको लाहौर का गवर्नर अपॉइंट कर देते हैं और यहां से शुरुआत करते हैं रंजीत सिंह एक इंडिपेंडेंट किंगडम को बनाने की 1799 में लाहौर इनके कंट्रोल में आ गया है इससे क्या होता है रंजीत सिंह और जो शुकर चाकिया मिसल है उसकी धीरे धीरे इंफ्लुएंस और प्रेस्टीज जो है इज्जत जो है वो बढ़ने लगती है बाकी मिसल्स के आंखों में और इसी का फायदा उठा के रंजीत सिंह जो है वो अमृतसर को भी अठारह सो दो के आसपास 1802 के आते आते वो आपके अमृतसर को भी ऑक्युपाई कर लेते हैं इसके बाद में रंजीत सिंह से आपके जो अफगानी गवर्नर हैं या जो अफगानी रूलर्स हैं वो एक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रंजीत सिंह उनके कहने पर काम करेंगे उनके डिक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे बट रंजीत सिंह तो ऐसा कर नहीं रहे थे तो क्या हुआ एक बार फिर से अफगान से आपके अटैक्स जो हैं वो होने लगे एक बार फिर से अटैक्स जो हैं वो होने लगे मीनवाइल आपको बता दूं मुल्तान जो है वो अभी भी अफगान के कंट्रोल में था अफगान के कंट्रोल में था धीरे धीरे बहुत सारे बैटल्स होते हैं जैसे कि आपका बैटल ऑफ अटॉक, ठीक है बैटल ऑफ अटॉक। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका बैटल ऑफ शोपियन बैटल ऑफ पेशावर सो अगर आप देखते जाओ धीरे धीरे देखिएगा तो 1799 में उन्होंने लाहौर और अमृतसर 1802 तक तो केवल इसके बाद बैटल ऑफ अट्टॉक हो रहा है मुल्तान का सीज हो रहा है सो so, बैटल ऑफ अट्टॉक हो गया बैटल ऑफ मुल्तान हो गया बैटल ऑफ शोपियन जिसके बाद कश्मीर उनके कंट्रोल में आ गया बैटल ऑफ पेशावर जिसके बाद पेशावर उनके कंट्रोल में आ गया। सो so, आप देखेंगे कि धीरे-धीरे 1834 आते-आते, ऑलमोस्ट आते। रंजीत सिंह अपने एम्पायर को ये जो आप ब्लू शेडेड पोर्शन देख रहे हैं पहले आपका लाहौर फिर आपका अमृतसर आपका अटोक वाला रीजन आपका कश्मीर जम्मू मुल्तान भी आ चुका है एंड पेशावर भी उनके कंट्रोल में आ गया 1837 आते आते बहुत सारे बैटल्स जो हैं वो आपकी सिख आर्मी रंजीत सिंह की लीडरशिप में और एक और एक बहुत कमांडर हैं रंजीत सिंह के नाम याद है बहुत मानी हुई हस्ती हैं सिख एंपायर के एक्सटेंशन में जिन्होंने रंजीत सिंह के कंधे से कंधे मिला के काम किया था 1837 में बैटल ऑफ जमरूद में इनकी डेथ भी हो जाती है एनीवन बिल्कुल शोपियन कश्मीर वाला ही है है ना सो हम क्या देख रहे हैं आपका बैटल ऑफ अटोक में अटोक आया है मुल्तान का जो 1818 वाला सीज हुआ है उसके बाद में मुल्तान को कब्जा कर लिया गया है रंजीत सिंह के द्वारा बैटल ऑफ शोपियन में कश्मीर और जम्मू उनके पास आ गए हैं बैटल ऑफ पेशावर में पेशावर उनके पास आ गया और बैटल ऑफ जमरुद के आते-आते अफगान्स जो हैं उनकी नाक के तले सिख आर्मी और महाराजा रंजीत सिंह एक इंडिपेंडेंट स्टेट को कार्व कर चुके थे हरि सिंह नालवा का नाम याद है हरि सिंह नालवा अगर नहीं पढ़ा है इनके बारे में तो जरूर पढ़िएगा नेहा एक्चुअली ये क्लास ना लास्ट क्लास का कॉन्टिन्यशन है तो आप लास्ट क्लास का सिख साम्राज्य फर्स्ट पार्ट देखना फिर सेकेंड पार्ट देखना क्लास को ना टाइम पे थोड़ा सा ज्वाइन करो सो आपको कंटिन्यूएशन में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे आप देखेंगे महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 1837 तक एक इंडिपेंडेंट सिख किंगडम की नींव रख चुके हैं बट इसके बीच में एक और मेजर इवेंट होता है एक और मेजर इवेंट होता है मैं आपको बता दू महाराजा रंजीत सिंह ने जितने भी बैटल लड़े हैं है ना बैटल ऑफ अटोक है बैटल ऑफ मुल्तान है बैटल ऑफ शोपियन है बैटल ऑफ पेशावर है बैटल ऑफ जमरूद है ये सारे बैटल जो हैं वो अफगान के अगेंस्ट लड़े थे और सब जीते थे सब जीते थे 1809 में एक और इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था हुआ क्या था आप जानते हैं 1750 57 है ना बैटल ऑफ प्लासी के बाद से 1750 के बाद से मुगल्स जितनी तेजी से नीचे की तरफ जा रहे थे और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद में मराठास जो हैं उनके बीच में भी इन फाइटिंग की वजह से मराठा साम्राज्य कमजोर होने लगा था वही वो टाइम था जब आपके ब्रिटिशर्स राइज़ कर रहे थे जब ब्रिटिशर्स राइज़ कर रहे थे बहुत तेजी से उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के अफगान्स के अगेंस्ट में जो स्टेप्स से उनको बहुत क्लियरली देखा था और यहां पे 1809 के अंदर उन्होंने एक ट्रीटी करी जिसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है या ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जाना जाता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर यहां पे कहा गया कि जो सतलुज रिवर है वो दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करेगी क्या कहा गया एक बाउंड्री लाइन की तरह काम करेगी यानी महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे सो so बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में जो इस साइड में टेरिटरीज थी वो वो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद में खो चुके थे समझ रहे हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर ब्रिटिशर्स बेसिकली पंजाब को अफगान और ब्रिटिश टेरिटरीज़ के बीच में एक बफर स्टेट की तरह यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। एक बफर स्टेट की तरह, पंजाब एक बफर स्टेट बन गया अफगान के बीच में और इंग्लिश टेरिटरीज के बीच में जिस तरीके से अवध को बनाया गया था बैटल ऑफ बक्सर एंड ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बाद में 1764 ट्रीटी ऑफ अमृतसर ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी यहाँ महाराजा रंजीत सिंह जानते थे कि वो अपनी टेरिटरी को खो रहे हैं और उनका जो एक सपना था उनका जो एक विजन था कि वो सारी सिख कम्युनिटी को यूनाइट करके एक पॉलिटिकल है ना इंडिपेंडेंट स्टेट जो है उसका नींव रखेंगे फाउंडेशन रखेंगे वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो बात थी उसको नहीं टाला मैं आपको बता दूं महाराजा रंजीत सिंह की जो फौज है जिसको फौज एक खास के नाम से जाना जाता था ये यूरोपियन लाइंस पे ट्रेंड थी कहा जाता है पूरे एशिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद अगर किसकी आर्मी बहुत ज्यादा मजबूत थी तो वो थी महाराजा रंजीत सिंह की फौज एक खास लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जानते थे कि ब्रिटिशर्स के पास में जो ट्रेनिंग है जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उनकी गवर्नमेंट से है ना जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं महाराजा रंजीत सिंह से ज्यादा हैं और अगर उन्होंने अभी ईस्ट इंडिया कंपनी से पंगा लिया तो उधर से अफगान का डेंजर है और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी उनका दुश्मन बन जाएगी उनकी जो सिख कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा पेन और सफरिंग डील करनी पड़ेगी तो महाराजा रंजीत सिंह जो है उन्होंने ये जो प्रॉब्लम है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इसको अपने जो सक्सेसर से उनके लिए छोड़ दिया So, महाराजा रंजीत सिंह का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल सिख स्टेट है ना इंडिपेंडेंट टेरिटोरियल स्टेट सिख स्टेट जो है उसको एस्टेब्लिश करने एक बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग आर्मी सिख एम्पायर जो है है ना उसको देने ये इनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है पर आपको बता दें इनके जो इकोनॉमी को लेकर के या एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस को लेकर के जो स्टेप्स थे वो भी कुछ कम नहीं थे इन्होंने क्या किया अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए देखो यहाँ देखेगा हुआ क्या जब इतना बड़ा पूरा जम्मू एंड कश्मीर तक सिख फैल गया तो ये बहुत ही आपका जो सेंट्रल एशिया है इसके कॉन्टेक्ट में आ गए सिख और यहाँ से आप जानते हैं मेजर ट्रेडिंग रूट जो है वो गुजरती थी हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था इस ट्रेडिंग रूट से पंजाब जो है उसकी इकोनॉमी को काफी फायदा हुआ ना केवल पंजाब के लोग ट्रेड कर पाए उनकी इकोनॉमी रिवाइव हो पाई बल्कि साथ ही साथ में महाराजा रंजीत सिंह ने जो एक इंडिपेंडेंट स्टेट कार्वाउट किया था जो पीस और स्टेबिलिटी यहाँ पे मेंटेन की थी उसके वजह से सिख जो एग्रीकल्चरलिस्ट कम्युनिटी है है ना कृषक हुआ करते थे ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रॉस्पेरस होने लगी थी तो यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह जो है ना उन्होंने केवल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दी बल्कि इकोनमी को भी रिवाइव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया इन्होंने गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनके नाम के सिक्के जो है उनको मिंट करवाया सो न्यू करेंसी सिस्टम जो है उसको डेवलप किया न्यू करेंसी मिंट की क्योंकि आपकी जो करेंसी होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखो वहां शायद न्यूज में पढ़ा होगा so जो करेंसी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह सिख स्टेट को ना केवल पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे मिलिटरीली डेवलप कर रहे थे इसीलिए उनकी करेंसी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी सो so, एक नई करेंसी सिस्टम के थ्रू नए टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू एंड ट्रेड एंड एग्रीकल्चर को डेवलप करके उन्हें पंजाब के इकोनॉमी को भी रिवाइव करने में इंपॉर्टेंट योगदान दिया एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करूं तो कहा जाता है इन्होंने क्या किया था जस्टिस बॉक्स लाहौर जो कि उनकी कैपिटल थी लाहौर में जो पैलेस है जो महल है उसके बाहर एक जस्टिस बॉक्स रखा जाता था जस्टिस बेल किसकी है जहांगीर की वैसे ही लाहौर पैलेस के बाहर रंजीत सिंह ने जस्टिस बॉक्स रखा था अगर किसी को कोई भी कंप्लेन है रंजीत सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन या उनके मिनिस्टर्स के अगेंस्ट तो वो यहाँ पे उस कंप्लेन को डाल के जा सकता था महाराजा रणजीत सिंह जो है वो बहुत टॉलरेंट थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हर धर्म के लोग शामिल थे आपको वहाँ क्रिश्चियन भी मिल जाएंगे हिंदू मिल जाएंगे सिख मिल जाएंगे हर कास्ट के लोग मिल जाएंगे मुस्लिम मिल जाएंगे सब मिल जाएंगे सो वेरी टॉलरेंट रिलीजियस एटीट्यूड वेरी मेच्योर पॉलिटिकली एंड जस्टिस पे बहुत फोकस करते थे इसलिए इनके लोग इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे इनफैक्ट इन्होंने क्या किया कि जो बहुत ज्यादा हार्श पनिशमेंट्स दी जाती थी उन सबको खत्म करके मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं जो बहुत ज्यादा हार्श केसेस नहीं होते थे बहुत ज्यादा क्रूएल नहीं होते थे उनमें केवल फाइन को मोड ऑफ पनिशमेंट रखा तो इससे इनकम भी हो जाती थी और जो हार्शर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है कठोर जो पनिशमेंट दी जाती थी उनको भी खत्म कर पाए वो ठीक है तो ये कुछ महाराजा रंजीत सिंह का कॉन्ट्रीब्यूशन है एटीन के अंदर महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है बिल्कुल ये समित प्रिया ढाका है ना हरि सिंह नालवाजी जो है यार अगर आपने नहीं सुना इनके बारे में तो जरूर पढ़िएगा कभी टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको बताऊंगी अ वेरी ब्रिलियंट कमांडर ऑफ रंजीत रंजीत सिंह ने जो अफगान के अगेंस्ट जितने भी बैटल्स लड़े और अफगान जो इन्वेडर्स हैं है ना उनको जो धूल चटाई है उसके अंदर हरी सिंह नालवा जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपको एक और बात बता दें अः कहा जाता है कि जब सोवियत रशिया अफगानिस्तान को इनवेड करने की कोशिश कर रहा था आपके 1980s की बात है। तो वहाँ पे उनको वार्निंग दी गई थी कि हम कोई सिख नहीं है जो अफगानिस्तान और अफगान है उनको हरा दे कि ये काम केवल सिख कम्युनिटी के लोग कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता so इतना जो है वो महाराजा रंजीत सिंह एंड हरी सिंह नालवा जी के वजह से सिख कम्युनिटी का अफगानिस्तान के अंदर खौफ था 1839 में इनकी डेथ हो जाती है एंड यहाँ पे एक बार फिर से क्या होता है आप यहाँ देखिएगा आप यहाँ पे देखेंगे कि इनके जो बेटे हैं जिनको इन्होंने अपना सक्सेसर चुना था उनकी भी एक अनटाइमली डेथ हो जाती है उनकी भी अनटाइमली डेथ हो जाती है और इनका नाम क्या था खड़क सिंह महाराजा रंजीत सिंह की कई वाइफ थी है ना जिसमें से रानी जिंदान जो बहुत सुंदर थी वो सबसे छोटी थी एंड इनके इन्होंने अपने सक्सेसर के रूप में खड़क सिंह को चुना था बट इनकी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है इसके बाद में क्या होता है नाउ निहाल सिंह इनके एक और जो बेटे हैं या शेर सिंह इनके एक और जो बेटे हैं उनका भी असेसिनेशन हो जाता है बेसिकली पंजाब की आर्मी जो उनकी शान हुआ करती थी वो किंग मेकर का रोल प्ले करने लगी थी तो पंजाब की आर्मी का कमान जिसके हाथ में होता था वो ही नेक्स्ट रूलर को डिस्कस डिसाइड करते थे और धीरे धीरे हम क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के सात साल के अंदर अंदर पंजाब की आर्मी चार रूलर्स को चेंज कर चुकी थी चार रूलर्स को चेंज कर चुकी थी 1839 से 1845 के बीच में चार रूलर्स हैं, 1843 में महाराजा दलीप सिंह जो हैं शेर सिंह के एसेसिनेशन या डेथ के बाद में महाराजा रंजीत सिंह के बेटे महाराजा दलीप सिंह जो हैं उनको बहुत छोटे हैं उम्र में उनको पंजाब के स्टेट का नेक्स्ट रूलर चुना जाता है और ये कैसे हो पाया क्योंकि रानी जिंदान अपने दो जो क्लोज एसोसिएट्स हैं लाल सिंह और तेजा सिंह उनके साथ में मिलके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गई थी कि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को आप नेक्स्ट रूलर बना दो आप मेरे बेटे को नेक्स्ट रूलर बना दो तो 1843 के बाद से आपको यहां पे एक वैक्यूम देखने को मिल रहा है और आप क्या देखेंगे आप देखेंगे कि यस 1846 में जब आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म होगा तो महाराजा दलीप सिंह जो है वो नेक्स्ट पंजाब के रूलर के रूप में सामने आते हैं और रानी जिंदान जो है वो उनकी रीजेंट बनती है या उनकी क्या बोलते हैं एडवाइजर के रूप में काम करती है क्योंकि वो बहुत छोटे थे तो सात साल के अंदर अंदर पंजाब की आर्मी ने कितने रूलर्स चार रूलर्स को बदल दिया था किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई किसी का पॉलिटिकल मर्डर हो गया और इससे पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ गई थी और यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पंजाब के इंटरनल मैटर्स के अंदर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने या इंटरफेयर करने का पूरा पूरा मौका मिल गया था और जब रानी जिंदान उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा हम तो वेट ही कर रहे थे आपके यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है है ना कलेश हो रहा है आपके घर में हम तो चाहते थे कि कोई विभीषण बन के हमारे पास आए अपने घर के बारे में बताए और फिर हम जो है आपके लोगों को आपके हेल्प से हराए तो ये सब कुछ चल रहा है रानी जंदान लाल सिंह और तेजा सिंह के साथ में मिलकर के गई है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बने क्योंकि उनको पता था बेटा छोटा है तो रियल पावर मेरे हाथ में रहना है रानी के हाथ में रहना है रानी काफी थी काफी सुंदर थी इस इंडिया कंपनी ने उनकी बात को मान लिया और इस इंडिया कंपनी ने क्या किया पंजाब की आर्मी को भड़काना शुरू कर दिया आप जानते हैं ट्रीटी जो हुई थी जो ट्रीटी हुई थी उसमें क्या कहा गया था कि सतलुज जो नदी है उसको सिख आर्मी क्रॉस नहीं करेगी क्योंकि ये ब्रिटिश टेरिटरीज मानी जाती थी बट इन्होंने कैसे ना कैसे करके सिख आर्मी को भड़काना था इंस्टीगेट करना था ताकि सिख आर्मी इस रिवर को क्रॉस करे और जैसे ही ये लोग क्रॉस करेंगे, हम कहेंगे आपने को वायलेट किया है इसीलिए ईस्ट इस इंडिया कंपनी को मजबूरी में आके आपके ऊपर अटैक करना पड़ा है और इसके लिए इन्होंने क्या किया इन्होंने ये जो फ्रंटियर एरियाज हैं, रिवर बैंक के ऊपर सतलुज रिवर के जो बैंक पे फ्रंटर एरियाज हैं यहाँ पे कुछ नई बैरक्स बनानी शुरू कर दी कुछ नई बैरक बनानी शुरू कर दी यहाँ पे एडिशनल कॉन्टिजेंट या आर्मी की जो टुकड़ी है उनको स्टेशन करना या सॉरी एडिशनल जो कॉन्टिजेंट या टुकड़ी है उसको यहाँ पे स्टेशन करना शुरू कर दिया और ये जो नदी है इसके अंदर कुछ ऐसी शिप्स जिनको उतार करके ब्रिज बनाया जा सकता है पूरी नदी नदी है है ना तो एक बैंक पे सतलुज के वेस्टर्न बैंक पे सिख आर्मी है और ईस्टर्न बैंक पे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है इन्होंने क्या किया बड़े बड़े शिप्स जिसको नदी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है उन शिप्स को यहाँ पे ला करके खड़ा करना शुरू कर दिया सो देर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस यूजिंग शिप फॉरवर्ड एरिया में बैरिक्स एंड कॉन्टिजेंट्स को स्टेशन करना अब सिख आर्मी को बहुत श्योर हो गया कि यार ये लोग ना हम पे अटैक करना चाहते हैं और उनका जो सस्पिशियन था उनके जो डर था वो पूरा सच होते हुए नजर आया एक मेजर ब्रॉडफुट हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्होंने क्या किया एक सिख महंत जो है उसको पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर दिया उसकी बेजती कर दी सिख कम्युनिटी एकदम गुस्सा हो गई समझ नहीं पाई ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल को कि ये चाहते ही हैं हमको गुस्सा करना हमें इंस्टिगेट करना और सिख आर्मी ने जैसे ही रिवर को क्रॉस किया ब्रिटिशर्स ने कहा वायलेशन ऑफ ट्रीटी ऑफ अमृतसर बैटल ऑफ है ना 1845-46 में आपका फर्स्ट एंग्लो सिख बैटल जो है उसकी शुरुआत हो गई इसमें क्या हुआ इस बैटल की अगर हम बात करें तो यहां पे लाल सिंह और तेजा सिंह जो हैं ये लाल सिंह जो है ये रानी जिंदान का लवर था कहा जाता है और वजीर बन चुका था यानी प्राइम मिनिस्टर बन चुका था और तेजा सिंह जो है ये आर्मी का कमांडर बन चुका था लाल सिंह और तेजा सिंह ने पंजाब की आर्मी को ठीक से इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया और इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के अंदर आपकी सिख आर्मी जो है वो हार गई वो हार गई बिट्रेयल ऑफ लाल सिंह एंड तेजा सिंह जस्ट लाइक मीर जफर है ना जस्ट लाइक like मीर जफर इन बैटल ऑफ प्लासी सिराजो के अगेंस्ट याद है बिल्कुल अजय छह से सात बजे क्लास होती है पिछले वाली क्लास को भी देख लेना ठीक है पिछले सैटरडे वाली क्लास को सिख साम्राज्य पार्ट वन है सिख एम्पायर का आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सो so, आपके 1845-46 के अंदर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में जो सिख की हार हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं उनका जो कमांडर और वजीर है और उनकी जो रानी जिंदान है, है ना इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ऊपर से सिख आर्मी जो है उसके अंदर थोड़ी डिसिप्लिन की कमी थी बहुत ब्रेव है लेकिन डिसिप्लिन की कमी है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया उनको इंस्टिगेट करके उनको गुस्सा दिला करके इसमें हारने के बाद में आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर होती है मार्च 1846 को एटीन 1846, को और इस ट्रीटी के अंदर कुछ कंडीशंस जो है वो पंजाब के ऊपर सौंपी जाती है पंजाब को ब्लेम किया जाता है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के लिए और कहा जाता है आपको बहुत बड़ा कंपनसेशन या हरजाना हमको देना होगा एक करोड़ से भी ऊपर उउंड वन पॉइंट फाइव करोड़ का हरजाना या वॉर कंपनसेशन नॉट ओनली दिस जब पंजाब का स्टेट इतना ज़्यादा उनको कंपनसेशन पे नहीं कर पाया तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को गुलाब सिंह डोगरा जो है आई थिंक इट इज हाँ, गुलाब सिंह डोगरा जो है उसको बेच दिया सो so, डोगरा जो राजाज हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर को बेच दिया गया पंजाब से लेकर के नॉट ओनली दिस पंजाब की जो आर्मी है उसके साइज को रिड्यूस कर दिया गया उनके पास केवल बीस हजार के सोल्जर्स रहेंगे जो पैदल हैं इंफेंट्री के अंदर और केवल बारह हजार जो हैं वो माउंटेड सोल्जर्स रहेंगे कैवलरी मैन केवल इतनी छोटी पंजाब की आर्मी कर दी गई सो so, पंजाब को फाइनेंशियली वीक कर दिया गया उसका एरिया कम कर दिया गया उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम कर दिया गया महाराजा सिंह को नेक्स्ट रूलर घोषित कर दिया गया और राणी जिंदान को उसका रीजेंट बना दिया गया उसका एडवाइजर बना दिया गया क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह छोटे हैं और कहा गया लाहौर के पैलेस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेजिडेंट जो है ब्रिटिश रेजिडेंट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, या के रूप में काम करेगा, वो वहाँ पे हमेशा, हमेशा लाहौर के पैलेस में रहेगी जैसा प्रणाली में भी इंडियन स्टेट के साथ में किया जाता था मैंने आपको पढ़ाया so, पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया है आप पॉलिटिकली देख लीजिए फाइनेंशियली देख लीजिए मिलिटेरली देख लीजिए है ना इकोनॉमिकली देख लीजिए और उनके जो इंटरनल मैटर्स है उसमें इंटरफेयर करने के लिए ब्रिटिश रेजिडेंट या आपका ब्रिटिश एम्बेसडर या राजदूत वहां पे रख दिया गया और ब्रिटिश टुकड़ी को लाहौर में ही स्टेशन कर दिया गया है कंपनी ने कहा कि देखो ये काम करते हैं आप रानी के और दलीप सिंह के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दिसंबर तक यहीं पर रुक जाते हैं उन्होंने कहा ठीक है ठीक है वी विल स्टॉप हिस्सा और होता क्या है आप यहाँ पे देखेंगे दिसंबर 1846 तक दिसंबर 1846 तक कंपनी यहीं रुकती है और इसके साथ साथ में इस टाइम के आते आते वो एक और ट्रीटी करते हैं जिसको हम ट्रीटी ऑफ भैरोवल के नाम से जानते हैं और यहाँ पे रानी को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया जाता है और उनको पेंशन ऑफ करके भेज दिया जाता है कहाँ पे आपके बनारस में बनारस में भेज दिया जाता है और महाराजा रंजीत सिंह का गार्जियन कौन बन जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती है यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेकंड एंग्लो सिख वॉर है मैं शॉर्ट में खत्म करूंगी क्योंकि यहां पे अभी नेक्स्ट क्लास है ठीक है सो आपको यहां पे देखना होगा मुल्तान का जो गवर्नर है मुल्तान का जो गवर्नर है, है मूलराज वो रिबेल कर देता है क्यों क्योंकि कंपनी उसको क्या कहती है कि आपको ना एक्स्ट्रा रेवेन्यू पे करना पड़ेगा आपको ना इतना ज्यादा ट्रिब्यूट देना पड़ेगा और जितना एरिया था फर्टाइल उसके पास में उसको कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेती है तो वो कहता है इनकम होने नहीं दे रहे हो पैसे कहां से देंगे तो मूलराज जो मुल्तान का गवर्नर है अटारी वाला जो लाहौर का गवर्नर है ये सब लोग कर देते हैं मिलके कंपनी के अगेंस्ट और जब ये लोग रिवोल्ट करते हैं तो आपका सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848-49 जिसमें अगेन सिख आर्मी हार जाती है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए चिल्लन वाला, वाला बैटल है आपका रामगढ़ वाला बैटल है और इन बैटल्स को अंग्रेजों की तरफ से ह्यूग जो है वो कमांड कर रहे थे पंजाब की आर्मी हार जाती है इंडिपेंडेंट पंजाब का स्टेट का जो एक्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है और पंजाब ब्रिटिश टेरिटरीज का हिस्सा बन जाता है ठीक है सो दिस इज द स्टोरी यहाँ पे नेक्स्ट क्लास है विल मीट ऑन मंडे इलेवन फोर्टी फाइव पढ़ के आइएगा अच्छे से पढ़ते रहिए ठीक है थैंक यू सो मच टेक केयर